दूर वेलकम टू बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी। मैं अभय कुमार और नीरज सर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि प्रत्येक दिन यहाँ का जो लड़का है हमेशा अपना जलवा दिखाते रह रहा है, हमेशा एक दो जो भी जा रहा है वो निकाल के ही आ रहा है। आज 3-4 बच गया था जिसमें चारों क्वालिफाई किया हुआ और वो भी अच्छे अंक से पास किया है। आइए आज 3 बच्चे आए हुआ है उनसे मिलते हैं। सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार स्वागत हो जाए। ये उत्तम है, इन्हीं के कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से आए हैं। यहाँ जैसे हम लोग कराते हैं इससे वहाँ से मतलब बेनिफिट मिलता है या फिर जैसे हार्ट है इससे बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो कराया जाता है इससे तो वहाँ इजी है, बहुत यहाँ कराया जाता है। यहाँ रिपोर्टिंग कहीं आपका कब था वहाँ? वहाँ रनिंग आपका कब कर रहा था? नहीं 7:30 बजे इंटी करा चुका था, अब नेट 8 बजे दौड़ा दिया। और आप कितने लड़के हैं? लगभग 36 जो मेरे बेट ने दौड़ाए थे, 36-37 जिसमें से 15-16 क्वालिफाई किया होगा, जिसमें 5 और डाउन कर। बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश, भारत माता के जय। आइए इनसे मिलते हैं, हमारे जवान जवान सरवन कुमार। आपका घर कहाँ है? नवादा। ये नवादा से आए हुए हैं, ये भी बिहार पुलिस का तैयारी करते थे। ये इनका रनिंग समय मालूम हो चुका है, लगभग ये 30 नंबर लाए हुए हैं। मतलब किसी किसी का हाथ रख देता है और किसी को नहीं रखता है, तो उसके ऊपर डिपेंड है, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है। और जो हाई जंप कितना किए? 4-4। और गोला? गोला तो 20+। गोला 20+ की है। चलिए इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। इनका नाम राजू, राजीव 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 उसमें लोग बहुत कुछ कहते हैं। हाँ जी, जैसे सब लड़का बोल रहा है ये भी बहुत अच्छा मेहनत किया, पैर में फर्क होने के कारण थोड़ा सा ये रनिंग में एथी हुआ, लेकिन मेहनत बहुत अच्छा किया। बीच में इसका तबीयत भी खराब हो चुका था लेकिन उसके बाद भी ये बहुत रिकवर किया रनिंग का। अगर शुरू से तबीयत नहीं खराब होता तो ये 40 नंबर का दावेदार था। आपका समय कितने बजे था वहाँ? सर मेरा रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे था, 10:30 बजे एंट्री करवा दिया था और 11 बजे रनिंग किया। और हाई जंप? हाई जंप बेस्ट 12 लिया, 4-4 हुआ। और गोला? गोला सर 19+। आपके बैच में कितना लड़का लगा था? मेरा बैच में सर 30 लगा था, 10 क्वालिफाई किए जिसमें 2 हाई जंप में छट गया, 1 हाइट में छटा। यानी कि आपके बच में 7 था। आपके बच में कितना लड़का? वही लगभग 40-38 के आसपास, उसमें 8 लड़का हम लोग निकले। 50% ना, 38 का बैच लगा रहा है मुझे जहाँ तक जानकारी है, 38 का बैच लगा रहा है और उसमें से 8 लड़का मतलब सब कुछ लेकर क्वालिफाई किया है। और 8 के बाद मान लीजिए कि ये 8 क्वालिफाई, आपके बैच में 5 किट मारने वाले कितना लोग? मेरे में भी कोई नहीं। आप गोला तो लमसम गोला अभी सर मेरे में मतलब कि 18+ था, बाकी 4-5 लड़के थे वो 20+ थे, बाकी 18+। देखिए सिर्फ जब जो 18 के ऊपर फेंक रहा है गोला, 4-4 हाई जंप कर रहा है और रनिंग में अच्छा खासा नंबर ला रहा है, वो सिक्योर है। मेरे ख्याल से मैं कटअप का वीडियो बनाऊंगा अगला एथी में, फिर आप लोगों को बताऊँगा कितना कटअप जा रहा है नहीं जा रहा है। सबसे पहले ये माला से स्वागत कीजिए। आपका दौर कब है? ए रंजन पार्टनर पढ़ा है वो पहले तुम्हारा रंजन आज बारे बोलना चाहते हैं कि हम 2 महीना में कितना हम कवर किए रनिंग के लिए, ये आप लोग का देख। अरे भैया नीरज भैया हम लोग को इतना सपोर्ट किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे करा रहे हैं उससे वहाँ इजी मिल रहा है, ऐसा कुछ लगा। शाबाश बहुत बढ़िया, आज मुस्कान है मेरा दिया हुआ, आप भी का दिया हुआ है और नीरज भैया भी दिया हुआ है। चलिए ये तो हम सही आपको सही राह दिखाए, आप मेहनत किए बहुत अच्छा। भारत माता की जय। देखो हम जैसे जितना मेरे पास अभी कैंडिडेट है लगभग 50 विद्यार्थी है जिसका दौर होने वाला है, उन सभी से हम यही कहेंगे जिनका दोपहर में रनिंग है चाहे कहीं भी हो, मेरे पास हो चाहे अदर
बिहार में किसी भी जिला में हो, जिनका दोपहर में रनिंग हो, वो कृपया कर पैर में अपना व्हाइट बैंडेज जो होता है ना, व्हाइट एक टेप आता है, उसको बांध लीजिए 10वीं उंगली में। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 5 से जो आपका 10 सेकंड ऊपर भाग रहा है वो आपका घट जाएगा, क्योंकि पैर में फोका हो जा रहा है, पैर फूल जा रहा है, छिला जा रहा है। इससे आपका रनिंग पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और हाई जंप पर भी प्रभाव पड़ रहा है, गोला पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब ये स्टेप आप नहीं ले पाइएगा तो नहीं गोला जाएगा और नहीं हाई जंप होगा। और रही बात हमारे संस्थान की, तो आप यूट्यूब पे या फेसबुक पर देखते ही होंगे कितना बच्चा निकाल रहा है। अभी 50 है तो 50 के 50 फिजिकल निकालेगा, ये हम दावा के साथ बोल सकते हैं। और हमारा संस्थान है बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी, गांधी मैदान। ये यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। और जिन विद्यार्थियों को हाई जंप, गोला और रनिंग में भी कोई अभी भी दिक्कत है, तो मैं हाई जंप सिखाने के लिए आप लोग इच्छुक हूँ, आइए। और 10 दिन में जितना जिसका 5 दिन हो, 4 दिन हो, वो आइए, हम सिखा देंगे। और हमारा दरोगा का बैच भी चल रहा है सुबह में, जिन विद्यार्थियों को करना है वो आए, बेहिचक कर सकते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।